जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। तो वेद जो है चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। अब देखते हैं हम वैदिक काल। तो वैदिक काल वह काल है जिस काल में वेदों की रचना हुई, या ये कह लीजिए वेदों का संकलन हुआ। वैदिक काल से पहले जो काल था उसको हम सिंधु सभ्यता का काल कहते हैं, जो कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में था। बीसी मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में था। इस वैदिक काल को आगे जाकर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना हुई थी, और इस काल का जो समय काल था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में था, और इसमें अथर्ववेद की रचना हुई थी। ऋग्वेदिक काल के इन तीनों वेदों को हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। अब देखते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल का ज्यादा एडवांस होना किसके कारण था? लोहे की खोज के कारण। जो उत्तर वैदिक काल था वह ऋग्वैदिक काल से ज्यादा एडवांस था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, जिस कारण जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनके हथियार और जो औजार थे वो सभी लोहे जैसी एक मजबूत धातु से बने होते थे। वेदों को अपुरुषेय भी कहा जाता है। अपुरुषेय मतलब जिनकी रचना में किसी पुरुष का कोई हाथ न हो। आर्य वेदों के जानकार थे। तो वेदों के जानकार कौन थे? आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट से। और ये भारत में कहाँ पर आकर बसे थे? सबसे पहले ये बसे थे पंजाब में। अब देखते हैं हम अरण्यक, कि अरण्यक होता क्या है। अरण्यक वह उसे कहते हैं जिसका कोई भी भाग जंगल में बैठकर लिखा गया हो, अरण्यक कहलाता है। किसी भी वेद का वह चैप्टर या भाग जो कि जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर लिखा गया हो उसे हम अरण्यक कहते हैं। अरण्यक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में तीनों में ही मिलता है, या इसकी चर्चा मिलती है। सिर्फ अथर्ववेद ही इकलौता एक ऐसा वेद है जिसमें अरण्यक की चर्चा नहीं मिलती है। अथर्ववेद जो है वो हमारा सबसे वर्तमान का, या ये कह लीजिए सबसे बाद का वेद है, और जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे वर्तमान अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में अरण्यक की चर्चा मिलती है या नहीं? नहीं मिलती है। तो अथर्ववेद में अरण्यक की चर्चा नहीं मिलती है, सिर्फ जो शुरू के तीन वेद हैं ऋग्वेदिक काल के उनमें ही मिलेगी। अब देखते हैं आगे। वेदांग क्या है? वेदांग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेद प्लस अंग, वेदांग, वेदों के अंग। तो वेदों की जो भाषा वह शैली थी वो समझने में बहुत ही ज्यादा कठिन थी, मतलब कि उसको समझ पाना आसान नहीं था। इसलिए वेदों को समझने के लिए उन्हें कई अंगों में बांटा, जिन्हें वेदांग कहते हैं। तो वेदों को
वेदांग में क्यों बांटा गया? वेदों को समझने के लिए। और वेदांगों की संख्या जो है वो है छह। कितनी संख्या है वेदांगों की? छह। इन सभी वेदांगों को याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है व्याजो निशी कच्छ। व्याजो निशी कच्छ। व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, शी से शिक्षा, कै से कल्प और छ से छंद। ये जो छह हैं इनको ही हम वेदांग कहते हैं। व्याजो निशी कच्छ इनको याद करने की ट्रिक है। व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, शी से शिक्षा, कै से कल्प और छह से छंद। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको जो वेदांग है अच्छे से याद हो गए होंगे, और नहीं हुए तो एक बार वीडियो के जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना, आपको ये टॉपिक कन्फर्म हो जाएगा। अब देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण से जो संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने। पाणिनि जो है वो व्याकरण के एक बहुत ही बड़े प्रकांड विद्वान रह चुके हैं। ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक वृत संहिता है। तो वृत संहिता किस लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिष के लिए। और वृत संहिता की जो रचना है वो किसने की थी? वराह मिहिर ने। ज्योतिष की सबसे प्रमुख पुस्तक वृत संहिता, और वृत संहिता के रचयिता वराह मिहिर। अब देखते हैं निरुक्त, जिसे हम भाषा भी कहते हैं। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। किसने की थी? यास्क ने। तो यास्क ने किसकी रचना की थी? निरुक्त की। इसके बाद आता है हमारा कल्प। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। किसने की थी? गौतम ऋषि ने। जो छंद है वो व्याकरण का ही एक भाग है, हिस्सा है। तो ये हो गया हमारे वेदांग। वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए वेदांगों को पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिनको वेद समझ में नहीं आते हैं तो उन्हें पहले वेदांगों को पढ़ना चाहिए। वेदों को पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपाध्याय। और जो एक वेद का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं एकवेदी, और जो दो वेद का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं द्विवेदी, तथा जो तीन वेद का ज्ञाता होता है उसको हम त्रिवेदी बोलते हैं, तथा इसके बाद जो चार वेद का जो ज्ञाता होता है वो होता है चतुर्वेदी। एकवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। इसके बाद भी हालांकि वेद चार ही हैं, जो चारों वेदों को पढ़ लेगा वो चतुर्वेदी कहलाएगा, जो सिर्फ एक वेद को पढ़ेगा वो एकवेदी, और जो दो वेद को पढ़ेगा वो द्विवेदी कहलाएगा। अब देखते हैं आगे। वेदांगों के बारे में बाद में आता है हमारा पुराण। पुराणों की जो रचना है वो लोमहर्ष ऋषि व उग्र शर्मा ने की थी। किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि व उग्र शर्मा ने। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। पुराण प्राचीन काल के राजवंशों के बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप आसानी से बता देंगे 18 होती है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो पुराण है वो किसके बारे में बताते हैं या उनमें किनकी चर्चा है, तो जो पुराण है उसमें प्राचीन काल के जो राजवंश हैं या जो राजा शासन करके जा चुके हैं उनके बारे में चर्चा है। इन 18 पुराणों में से तीन पुराण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक है विष्णु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण और तीसरा है वायु पुराण। ये तीनों जो पुराण हैं वो 18 पुराणों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। विष्णु पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है, जिसमें मौर्य वंश की चर्चा मिलती है।
किसकी चर्चा मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा मिलती है और विष्णु भगवान के 10 अवतारों की भी चर्चा मत्स्य पुराण में ही मिलती है। यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा आपसे पूछ ली जाती है और ऑप्शन में विष्णु पुराण दिया हुआ हो तो आप याद रखना कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा केवल मत्स्य पुराण में ही हुई है। विष्णु पुराण में केवल मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। अब देखते हैं पुराणों को जो है वेदों का वेद कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को। पुराणों को ही पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो पांचवा वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को। पुराणों में धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। इस समय के दौरान औरतों और जो पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के लोग थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। इनमें केवल ब्राह्मणों और जो राजवंश के लोग थे उनको ही शिक्षा का अधिकार था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुराणों में SC ST समाज का एक तरह से शिक्षा के लिए बहिष्कार था। अब देखते हैं पुराणों के बाद हम वेदांत, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है। तो वेदांत को क्या कहा जाता है? उपनिषद। हालांकि उपनिषद के बारे में कंफर्म डाटा नहीं मिलता है, लेकिन 108 उपनिषद वेदांत बताए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 13 ही अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो उपनिषद कितने बताए गए हैं? 18 और 108, सॉरी, उपनिषद बताए गए हैं 108 और प्राप्त कितने हुए हैं? केवल 13। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समक्ष बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? दार्शनिक ज्ञान। उपनिषद वेदांत वेदांतों का ही सॉरी वेदों का ही हिस्सा है। तो पुराणों की संख्या होगी आपके 18, वेदांतों की संख्या 108 है, लेकिन प्राप्त कितने हुए हैं? 13। और इन 13 में से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है या जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंडकोपनिषद की, जो कि अथर्ववेद का हिस्सा है। तो मुंडकोपनिषद किसका हिस्सा है? अथर्ववेद का, चौथे वेद का, जो कि सबसे बाद में आया था। इसी मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? सत्यमेव जयते। ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की शिक्षा नीति की चर्चा भी मुंडकोपनिषद में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेदों में और पुराणों में केवल ब्राह्मणों और राजवंशों के लोगों को शिक्षा का अधिकार था, तो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन उपनिषद में यह बताया गया है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जाके राजपूतों ने भी शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी थी। उपनिषद में सिर्फ राजपूतों का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? राजपूतों का। वरहत नारायण उपनिषद, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वरहत मतलब बड़ा विशाल। वरहत नारायण उपनिषद सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन उपनिषद है। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वरहत नारायण उपनिषद। और सबसे प्राचीन वो भी वरहत नारायण उपनिषद ही है। कठोपनिषद, कठोपनिषद में ओम की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ओम की। तथा यम व नचिकेता की चर्चा भी कठोपनिषद में ही मिलती है। तो कठोपनिषद में
किन तीन चीजों की चर्चा है? एक तो ओम की, दूसरा यम व नचिकेता की। और मोस्टली ये क्वेश्चन इन दोनों में से आता ही आता है, एक तो ये वाला कठोपनिषद और एक मुंडकोपनिषद, इससे कि सत्यमेव जयते लिया गया है। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। जीवन के जो आधार हैं चार आश्रम, उनकी चर्चा भी जालोपनिषद में ही है। तो आश्रम जो चार हैं उनकी चर्चा किसमें मिलती है? जालोपनिषद में। अब देखते हैं चार आश्रमों के बारे में। नंबर वन ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन, दूसरा गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और चौथा सन्यासी जीवन। अब देखते हैं इन हम चार आश्रमों का समय काल कौन कौन सा होता है या ये किस समय घटित होते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य है वो 5 साल से लेकर या 5 वर्ष की आयु से 25 वर्ष की आयु तक होता है, और गृहस्थ जीवन जब आप विवाह कर लेते हैं 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक होता है। फिर आता है वानप्रस्थ जीवन जो कि 50 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक होता है। फिर उसके बाद आता है सन्यासी जीवन जो कि 75 वर्ष से लेकर टिल डेथ मृत्यु तक ही चलता है। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उपनिषद। सबसे नवीन जो उपनिषद है वो है आलोपनिषद जो कि अकबर के समय रचित किया गया था। तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद में, बृहत नारायण उपनिषद सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन उपनिषद, कठोपनिषद में ओम यम व नचिकेता की चर्चा, जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश और जीवन के चार आश्रमों की चर्चा है, और सबसे नवीन जो आप आश्रम है वो है वो सॉरी सबसे नवीन जो उपनिषद है वो है आलोप निषद जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय में रचित किया गया था। अब देखते हैं हम स्मृति। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्मृति मतलब मेमोरी, याद, स्मरण करना। तो प्राचीन काल के जो विद्वान थे वो अपनी सोच के अनुसार, मतलब कि जैसे कि वे बैठे हैं कहीं और उन्हें कुछ याद आ गया तो वे उसे कहीं लिख देते थे, उसे ही स्मृति साहित्य कहते थे। स्मृति साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति को मनु के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। मनुस्मृति को भारत की पहली विधि या कानूनी पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें उच्च जाति को वरीयता दी गई थी, निचली या पिछड़ी जाति को इसमें कोई इतना महत्व नहीं दिया गया था। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुए खेलने को सही बताया गया है। किसे सही बताया गया है? जुए खेलने को। कौन सी स्मृति में? याज्ञवल्क्य स्मृति में। मनुस्मृति में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार मतलब जब बच्चा या व्यक्ति पैदा होता है और जब से लेकर उसके मरण तक जीवन को 16 भागों में बांटा गया है या 16 संस्कारों में बांटा गया है। तो मनुस्मृति में कितने संस्कार हैं? 16। मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। मनुस्मृति में 3 प्रकार के ऋण है। ऋण मतलब कर्ज जिन्हें चुकाया जा सकता है। तो मनुस्मृति में कितने ऋण है जिन्हें चुकाया जा सकता है? वह 3। और ये कौन कौन से हैं? एक है देव ऋण, देवता का ऋण या देवता का कर्ज, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण।
तो देवरन से मुक्ति पाने का जो तरीका है वो होता है पूजा पाठ करके, और ऋषि रन से मुक्ति पाने का तरीका है शिक्षा को ग्रहण करके, और तीसरा जो पितृरण है उससे मुक्ति पाने का तरीका है संतान उत्पन्न करके। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप पर देव ऋण है तो आप पूजा पाठ कर दीजिए तो वह आपका कर्ज उतर जाएगा, ऋषि ऋण है तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए तो ये ऋण भी उतर जाएगा, शिक्षा ऋण और ऋषि ऋण। और तीसरा जो पितृ ऋण है, अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं या उससे कर्ज उतारना चाह रहे हैं तो जब आप खुद एक पिता बन जाएंगे तो पितृण से आप मुक्त हो जाएंगे। मतलब कि अभी तो आप अपने पिता के बेटे हैं, जब आप किसी के पिता बन जाएंगे तो ये पितृण उतर जाएगा। अब देखते हैं हम महाकाव्य, ये थी हमारी स्मृति। स्मृति में कितने संस्कार? 16। महाकाव्य जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, महा महा मतलब बड़ा, बड़ा काव्य। सबसे बड़े साहित्य को ही महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाव्य। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? एक है रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। तो रामायण को किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत को वेद व्यास ने। रामायण में जो भाग है उनको तो हम कहते हैं कांड। क्या कहा जाता है? कांड। और महाभारत में जो भाग है उनको हम बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व। तो रामायण को जो है सात कांड में भागा गया, बांटा गया है, सॉरी सात कांड में बांटा गया है, जबकि महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया है। कितने पर्व में? 18 पर्व में। रामायण में श्लोकों की संख्या 12,000 से लेकर 24,000 है, और महाभारत में श्लोकों की संख्या 8,800 से लेकर 1,00,000 तक है। ये कह लीजिए कि जो श्लोक है पहले 12,000 थे, जो आगे बढ़कर 24,000 हो गए, और शुरू में जो महाभारत में श्लोक थे वो 8,800 थे, जो आगे जाकर 1,00,000 हो गए। सबसे बड़ा काव्य जो है वो रामायण है, जबकि जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे कि आपको पता है रामायण में 7 कांड है, जबकि जो महाभारत है उसमें 18। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा काव्य बड़ा है। तो सबसे बड़ा काव्य है रामायण, और सबसे बड़ा महाकाव्य, बड़े से भी बड़ा, तो वो है महाभारत। ये कन्फ्यूजन में डालता है, सबसे बड़ा काव्य पूछेगा तो रामायण, और बड़े महाकाव्य मतलब बड़े से भी और बड़ा, तो वो है महाभारत। सबसे प्रमुख कांड या भाग रामायण में सुंदर कांड है। कौन सा कांड है? सुंदर कांड। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 भाग हैं, और रामायण में 7 कांड। महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व, जिसमें कृष्ण जो है कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए या कृष्ण अर्जुन के बीच जो चर्चा हो रही है उसके बारे में बताया गया है। इस भीष्म पर्व को ही भगवद गीता कहा जाता है। तो भगवद गीता किसे कहा जाता है? भीष्म पर्व को। शुरू में महाभारत में 8,800 श्लोक थे, जिन्हें तब जय संहिता कहा जाता था। तो जय संहिता किन्हें कहा जाता था? 8,800 श्लोकों को। बाद में बढ़ते बढ़ते श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। कितनी हो गई? 1,00,000। रामायण और महाभारत को फारसी में अकबर ने रचित करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किसने करवाया था? वो करवाया था अकबर ने।
जो रामायण का फारसी अनुवाद था वो बदायूनी ने लिखा था या बदायूनी ने किया था? किसने किया था? बदायूनी ने। किसका किया था? रामायण का। और इसने जो है जो इसका अनुवाद किया था रामायण का फारसी में, वो रामायण के नाम से ही किया। जबकि जो महाभारत का अनुवाद हुआ वो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा, जिसको रजमनामा नाम दिया गया। तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने और रामायण नाम ही रखा, जबकि जो महाभारत का जो अनुवाद है फारसी में वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और इसको रजमनामा नाम दिया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रजमनामा किसे कहते हैं और ये किसका फारसी में उल्लेख है? तो ये है महाभारत का। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम वैदिक काल की विशेषताएं और इसका जो सिंधु सभ्यता के साथ जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनको देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू सो मच।